इस बार हुई संतोषजनक बारिश के चलते अब नवी मुंबई को जलापूर्ति करने वाला मोरबी डैम भी पानी से लबालब हो चुका है और इस बार डैम का जलस्तर 88 मीटर को भी पार कर चुका है। ऐसे में डैम का 100% भरने की खुशी में नवी मुंबई के प्रथम महापौर और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक ने मोरबी डैम पहुंचकर यहां जल पूजन किया, जहां उनके साथ पूर्व महापौर सागर नाइक, सुधाकर सोनावणे, पूर्व स्थायी समिति सभापति डॉक्टर जयाजी नाथ, पूर्व सभागृह नेता रविन्द्र इथापे, शुभांगी पाटिल और उषा भोईर भी मौजूद थी। इस बार ओवरफ्लो हुए मोरबी डैम के 2 गेट खोलकर करीब 675 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऐसे में फिर एक बार नवी मुंबई को जल समृद्ध करने वाले मोरबी डैम को लेकर डॉक्टर संजीव नाइक ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं प्रथमता जो हमारे भगवान है, यानी कि सृष्टि के निर्माता है, आज ये जो जल यहाँ ऊपर से आया तो यहाँ जल मिला है मोरबी डैम, ये नवी मुंबई के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि बनी है और आज खुशी इस बात की है मुझे कि ये मोरबी डैम आज भर चुका है, आज उसका जल पूजन हुआ है। मैं सागर जी नाइक, हमारे सुधाकर सोनावणे साहब, रविंद्र इथापे साहब, डॉक्टर जयाजी नाथ जी और यहाँ के हमारे गांव के मते जी, यहाँ के सभी इंजीनियर्स, जनता को मैं शुभकामनाएं करता हूँ और बाप्पा को धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह से ये डैम हर साल भरता रहे, ताकि जो नवी मुंबई जनता की जो तृष्णा है, जो प्यास है, बुझाने का काम हर साल होगा। ये अगर डैम भर जाएगा तो साल भर की चिंता मिटेगी। मैं ईश्वर से यही दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि इसी प्रकार हर साल ये सौभाग्य हमें सभी को मिलता रहे कि हम आए और यहाँ उसका पूजन करें। आने वाले समय में डैम तो भर जाएगा, लेकिन मेरी जनता से अपील है कि पानी हर साल आएगा ही, इसका कोई भरोसा नहीं है और इसलिए पानी का इस्तेमाल ये सही ढंग से होना चाहिए। जब चाहे कभी भी इसका इस्तेमाल करने के लिए डैम में पानी होगा, लेकिन अगर डैम में पानी कम होगा तो उस वक्त हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि भाई पानी की जो उपलब्धता कम है तो हमें उसका इस्तेमाल भी सही ढंग से करना चाहिए। शहर की जनता बहुत हमारी होशियार है, समझदार है, उसका उपयोग सही ढंग से करेगी। मुझे उम्मीद है कि ये साल जो आनंद हमें मिला है, ये आनंद सबके लिए खुशी की बात होगी। मैं नवी मुंबई जनता का शुभकामनाएं करता और उन सब लोगों को ये गणपति के पावन अवसर पर उनको सभी लोगों को इस आनंद की बधाई बात देता हूँ कि आज ये डैम आने वाले अगले 300 दिन तक हमारे शहर की पानी की जो समस्या है या उसकी जो उपलब्धता है उससे अभी वो मिट गई है। हम जल देवता को प्रणाम करने के लिए आज आए और यही उपलब्धि के साथ में हम उनको प्रणाम करते हैं कि उसका आशीर्वाद सबको इसी तरह से मिलता रहे। योर इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।